दोस्तों यूपी सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को 4 महीने 5-500 रुपये देने का ऐलान किया है। दोस्तों जो लोग 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना ई श्रम कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं उनको सरकार अभी 1-1 हज़ार रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को ई श्रम कार्ड का पैसा मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा और आपका ई श्रम कार्ड का पैसा कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसान व मजदूर लोगों को भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है सरकार। 5-500 रुपया हर महीना यानी 4 महीना सरकार 5-500 रुपया देगी, जो कि दिसंबर और जनवरी का पैसा, 2 महीने का पैसा अभी जनवरी में दे रही है सरकार। 1-1 हज़ार रुपया सभी के ई श्रमिक धारकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किन लोगों को 1 हज़ार रुपया नहीं मिलेगा ई श्रम कार्ड का। तो दोस्तों जो लोग सरकारी लाभ ले रहे हैं जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा या पेंशन का पैसा जो लोग ले रहे हैं उनको ई श्रम कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सभी लोग को ई श्रम कार्ड का पैसा मिलेगा जो 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं ई श्रम कार्ड में, उनको ई श्रम कार्ड का पैसा मिलेगा। मैं आपको बता दूँ कि आपका ई श्रम कार्ड का पैसा कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है उसी बैंक अकाउंट में आपका ई श्रम कार्ड का पैसा जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा भी पैसा जो है यहाँ पर जो मेरा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है उसी अकाउंट में पैसा गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 3 अकाउंट नंबर हैं, तीनों में आधार कार्ड लिंक है, लेकिन आपका UIDAI की वेबसाइट पे जो भी आपका अकाउंट नंबर शो होगा आधार कार्ड के थ्रू उसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मेरा भी आ गया। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट में अभी तक अपने आधार कार्ड को रजिस्टर नहीं कराएं, लिंक नहीं कराएं, तो जल्दी से जाके आप अपने बैंक अकाउंट में अपने आधार कार्ड को रजिस्टर करा लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सरकार जो आधार कार्ड से पैसे को ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है इस समय। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाते समय आप बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं, नेम अपडेट कर सकते, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार जो है आधार कार्ड से ही श्रमिकों के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रही, भेज रही है, तो जो कि काफ़ी सिक्योर है। तो दोस्तों अगर आपके भी बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो जल्दी से जाके अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट से लिंक करा लीजिए, क्योंकि जो भी सरकार पैसा भेज रही है वो आधार कार्ड के थ्रू भेज रही है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।